आईसीसी वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 आ चुकी है। क्या रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली सलामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं? जायसवाल को बाहर किया जा सकता है या नहीं? क्या ऋषभ पंत संजू सैमसन की जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे? और गेंदबाजी में क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे पहला टी20 मुकाबला जो खेला जाना? तो दोस्तों पूरा प्लेइंग 11 आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक करिएगा। आज से पहले और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जो आप रोहित शर्मा या विराट कोहली को एक महान क्रिकेटर मानते हो तो उनके लिए एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस तरह टीम इंडिया ने पहले वार्म अप मुकाबले में बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। काफ़ी बेहतरीन टीम इंडिया ने 182 रन बनाए थे, जबकि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी की। यहाँ पर बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट आगाज हो चुका है, जो कि पहला मुकाबला कनाडा और अमेरिका के बीच खेला गया। अब बात करते हैं टीम इंडिया का जो होने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला है, भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाना है पहला, तो देखें तो 5 जून 2024 को ये मुकाबला खेला जाना है। दोस्तों उसकी फाइनल प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे विराट कोहली, जी हाँ दोस्तों, सबसे नंबर वन अगर जो बात करें तो विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहले मुकाबले वार्म अप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ यहां पे देखें तो रोहित शर्मा और जायसवाल सलामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। जायसवाल कुछ खासा नहीं कर पाए थे, और बता दें कि विराट कोहली वार्म अप मुकाबला नहीं खेले थे, बल्लेबाजी नहीं किए थे, तो उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि यहां पे देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में आ सकते हैं। नंबर तीन की बात करें दोस्तों तो नंबर तीन पर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखें नंबर चार पे दोस्तों, तो नंबर चार पे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह को भी यहाँ खेलने को मौका मिल सकता है। नंबर चार पे हो सकता है कि रिंकू सिंह को शामिल किया जाए। नंबर पांच पे अगर जो बता दें दोस्तों तो यहाँ पे ऋषभ पंत, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की, तो उनका खेलना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। संजू सैमसन की अगर जो बात कर ले तो सैमसन का खेलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने वार्म अप मुकाबले में कुछ खासा नहीं किया था और ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, तो उनका खेलने का चांस काफी ज्यादा है। उसके बाद देखें दोस्तों तो नंबर छह पे अपना ऑलराउंडर बल्लेबाजी करने वाले हार्दिक पांड्या आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि वार्म अप मुकाबले में उन्होंने 3 छक्के लगाए, वो भी लंबे लंबे छक्के लगाए थे, जिसके चलते टीम इंडिया 182 रनों तक पहुंच पाई थी। तो नंबर छह पे ये हो गया। उसके बाद नंबर सात पे दोस्तों यहां पे रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आ सकते हैं आप सब, क्योंकि शिवम दुबे को नहीं शामिल किया जा सकता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा रहेंगे तो स्पिनिंग भी काफी बेहतरीन वो कराते हैं, बल्ले के साथ भी काफी योगदान दे सकते हैं, तो यहां पे देखें नंबर सात पे वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर आठ पे बता दूं कि कुलदीप यादव टाटा आईपीएल 2024 में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की, तो उनका खेलना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद नंबर नौ की बात करें तो मोहम्मद सिराज खेलते हुए आप सभी को एक बार फिर वो नजर आ सकते हैं, क्योंकि वार्म अप मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करती। नंबर दस की बात करें तो दोस्तों तो यहाँ पे अक्षरदीप सिंह का भी खेलना लगभग लगभग तय ही माना जा रहा है। नंबर ग्यारह की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे नंबर ग्यारह पे आप सभी को भारत के सबसे तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें बुमराह तो हर टी20 वर्ल्ड कप का जो हर मुकाबला उसमें खेलते हुए नजर आएंगे, उनको तो कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये थी जो आयरलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबला 5 जून को खेला जाना है, फाइनल प्लेइंग 11। आप सभी को बता दें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्या सैमसन को खिलाना चाहिए, सिमोन दुबे को खिलाना चाहिए या नहीं? वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। साथ ही आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा।